उनकी सिर्फ सोच ही नहीं पर विचार भी काफ़ी फियरलेस है। आई थिंक डर का सामना करना काफ़ी मुश्किल होता है। डर का सामना करना मुश्किल होता है पर नामुमकिन नहीं है बिल्कुल। और अगर आप डर का सामना कर लोगे तो जो साहस आपको दिखाई देगा और जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आप निखर आएंगे बहुत ही खूबसूरत होंगे। जैसे कि नीजा ने अपने सबसे बेस्ट पार्ट अपने अंदर की उस 16 घंटे में दिखाए। एज एन एक्ट्रेस आपकी सबसे बड़ी फियर कि मैं टाइपकास्ट नहीं हूँ। आई थिंक ये अगर आप एक्टिंग एज अ क्राफ्ट को सीरियसली लेते हो तो आप क्यों एक्टर बनते हो? क्योंकि आपको बहुत सारी जिंदगियाँ जीनी हैं और अगर आपकी निजी जिंदगी के वजह से आपको कोई कास्ट करे, यू नो टाइप कास्ट करे, वो बहुत ही बुरा होता है। सलमान खान ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की एंड इट वाज आई थिंक वेरी वेरी नाइसली सेड कि यू नो अबाउट हिज अकेलापन एंड हाउ कुंवारापन, बट इट्स अमेजिंग द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू गॉट। आई नो एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि जो इंडस्ट्री है ये इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल और होपफुली दिस फिल्म विल मेक यू प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, यही मेरी ख्वाहिश है। बिल्कुल, आपको काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले आपके रिव्यूज़ आई थिंक काफ़ी लोगों ने तारीफ की जी। व्हाट हैज बीन वन कॉम्प्लीमेंट जो आप सुन के आप थोड़ी मतलब? मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा जब राम माधवानी मेरे काम से खुश होंगे क्योंकि मैं एक डायरेक्टर की एक्टर हूँ। और दूसरा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है अखिल और अनीश भनोट से जो नीजा के भाई थे और उन्हें लगा कि मैं नीजा से ट्रेलर के टाइम पे मैं बहुत मिलती जुलती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात।